हमारी राय ये है जी, बदलाव आना चाहिए। यहाँ पे गलियों में ऐसा होता है, झाड़ू लगाने वाले एक दिन आते हैं, चार दिन नहीं आते। गंदगी का, कूड़े का ढेर लगा रहता है। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस ऐसे घूमते रहते हैं आवारा हूँ किधर। अगर वोट के टाइम आता, हाथ जोड़ के लेता है, आता है कहता है हम सब काम करेंगे बहन जी, उसके बाद जाने के बाद वो कहता है मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। जी जी, पावर पावर कुछ नहीं है, आपको दिख ही रहा है। 15 सालों से भाजपा ने क्या काम किया है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कूड़े के ढेर लगाए हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। जनता हर तरफ से दुखी है, वो आपको दिख ही रहा है, तभी आप बोल रहे हैं। और मैं हमेशा, मेरा कोई पीछे से राजनीति का कोई परिवार नहीं है, और मेरी सेवा भाव को देखकर पार्टी ने मेरे को आगे लाया है और प्रत्याशी बनाया है, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। हम जनता के बीच में आकर मैं सारा दिन लोगों की सेवा करती रहूँ, यही मेरा भाव है। जनता आप पे क्यों विश्वास करें? है जी, देखो जी, पहले भी मैंने यही, मैं जैसे अभी आपको बताया, मेरी सेवा भाव को देखकर, कोरोना टाइम हो, किसान आंदोलन हो, सबको मालूम है मैंने पूरी सेवा की है हर तरीके से। उसी के समाज से मैं काफ़ी समय से 15-20 सालों से लगातार समाज में सामाजिक रही हूँ, सेवा और धार्मिक रही हूँ, वही मेरा काम है। मैं राजनीति में तो वैसे ही आ गई। बिजली पानी की समस्या है, बहुत लोग कहते हैं कि केजरीवाल ने एरिया के बाद बहुत समस्या है, वो कभी पूरी नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में। नहीं नहीं, बिल्कुल पूरी कर रहे हैं, जो कमी है उसको दूर करेंगे, वो आपको दिख ही रहा है। बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर कामों को आपने, मेरा कहने ये मतलब है बिजली पानी को सिर्फ नाम को लेके और सिर्फ यही मुद्दे हैं, और अलावा उसके अलावा कोई देखो काम जी नहीं कर रहे। वो केजरीवाल जी ने MCD में 10 गारंटी कार्ड इशू किए हैं, वो जो कहा है, बताएंगे एक बार। सबसे पहले कूड़े के जो ढेर लगाए हुए हैं उनको साफ सुथरा करना है, पूरी सफाई कर देनी है, जितनी भी लगी हुई है जो MCD के अंदर आती है, सड़कें, नालिये, उनको साफ किया जाएगा। तीसरा, हमारी शिक्षा जो कि जैसे, और चौथा हॉस्पिटल MCD के अंडर में आते हैं, जैसे दिल्ली सरकार ने शिक्षा को और अपने हॉस्पिटलों को अच्छा किया है, ऐसे MCD के भी करेंगी। और जो हमारे यहाँ पर जानवर आवारा होते हैं, बंदर, कुत्ते, गाय, उनका समाधान निकाल लेंगे। और हमारे जितनी भी पार्किंग की सुविधा, पार्किंग में जो सब जगह पार्किंग की असुविधा होती है उसको दूर करेंगे, और पार्कों को सुंदर करेंगे जो MCD के अंदर आते हैं। व्यापारियों को जो दिक्कत हो रही है, खूब दिक्कत हो रही है, कन्वर्जन चार्जेज, हर तरह का भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। भ्रष्टाचार जितना MCD में है वो भी हर तरीके से दूर किया जाएगा। और जो MCD में हमारे जो कर्मचारी हैं उनको टाइम पर उनकी सैलरी दी जाएगी, कोई भी काम है वो समय पे किया जाएगा। हमारे 10 गारंटी कार्ड जो कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने दिए हैं, और उनका सारा तैयार हो चुका है, उनका डाटा सारा तैयार हो चुका है। जैसे ही हमारी सरकार MCD में आएगी, पहले की तरह हम पूरे तरीके से सेवा भाव का काम करते हुए उनको कामों को पूरा करेंगे। केजरीवाल, केजरीवाल जी कहना है कि इस टाइम केजरीवाल दिल्ली छोड़ के गुजरात की तरफ चले गए। हाँ जी, नहीं नहीं जी, जी ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ, क्यों छोड़ के चले गए आप? ऐसा तो पूरी पूरी दिल्ली में, पूरी देश में BJP है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह सब कुछ है। BJP कहना है मैडम, वो तो कुछ भी बोल देंगे जी, वो तो आपको भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री विदेश चले गए, विदेश चले जाएंगे, मुद्दे मैंने आपको बता दिए। मैडम आप भारतीय चुनाव लड़ रहे हो, प्रधानमंत्री इस टाइम विदेश गए, वो क्या कर रहे हैं? उनको अपने इंडिया में रहना चाहिए, उनको दिल्ली में रहना चाहिए, दिल्ली के कामों को देखना चाहिए। आप बताओ, मेरे से पूछो ना, मैं जवाब देती हूँ। क्या पूछने? क्या मुद्दे रहेंगे? हाँ, हमारे मुद्दे सफाई, कूड़ा, ये हमारा मेन मुद्दा। पूरी दिल्ली को इन्होंने कूड़ा बना दिया है, हम उसकी पूरी सफाई कराएंगे। जो उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, जिनके रिश्वत ले रहे हैं, एक ही घर का लेंटर पे, छोटा भी लेंटर हो, मेरे घर में लेंटर पड़ा, 1 लाख रुपए मांगने आ गए। आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं मांगेंगे, बिल्कुल नहीं मांगेंगे।
कहते हैं स्कूल और सब सुधार दिया, बहुत स्कूल, आप जाके, मैं स्कूल की मेंबर हूँ, आप जाके देखो। बीजेपी कह रहा है मैडम कि सिर्फ चार, सर बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होता, हम दिखाएंगे। अभी तो मैंने आपकी राय ली है ना, आप देखो आगे। मेन मोटिव हमारा कूड़े को सफाई करनी है, हमने कूड़े को हटाना है और यहाँ दिल्ली में कूड़े की सफाई हो जाएगी, आपको लिख के दे रहे हैं। सिर्फ कूड़े से काम हो जाएगा? अरे एमसीडी का इलेक्शन है बड़े भैया, शिक्षा स्वास्थ्य देखो, शिक्षा स्वास्थ्य तो है ही है, यह गंदगी जो एमसीडी में बीजेपी ने डाली है ये हटानी है सबसे। अरे मुद्दे बहुत हैं, सबसे पहले गंदगी साफ करनी है, गंदगी नहीं साफ करेंगे रहेंगे कहाँ? बहुत कूड़े, पार्टी ने जो टिकट दी है, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए, दिखाइए क्या है। ये देखो ये जो हाल है ना, इसमें अगर आरडब्ल्यूए का साथ में, आरडब्ल्यूए अगर उसको बोलती है निगम, निगम को, नगर निगम पे बोलते हैं कि हमारी सफाई करवाओ, तो कोई सफाई नहीं करवाता। इस चीज़ को बदलाव लेके आना है, ताकि आरडब्ल्यूए वाले अगर नगर निगम में किसी को बोलते हैं कि ये कूड़ा है सफाई करवा दो, उतनी सुनवाई तो हो। तो क्या ये बीजेपी वाले जो ये जो सरकार है वो ये भाई साहब, मैं अपना फ़ोन दिखा देता हूँ, ये देखो, मैंने जो आज की पार्षद हैं अंजू जैन जी, उनको व्हाट्सएप किया कि पार्क में लाइट नहीं है और लोग शराब पीते हैं बैठ के रात को, कम से कम लाइट लगवा दो भाई, ठीक करवा दो लगी हुई है जो लाइट। कोई जवाब नहीं है, कितनी बार व्हाट्सएप कर चुका हूँ, सिर्फ इतनी सुनवाई हो जाए, इतना ही बदलाव चाहिए कि जनता की सुन पाए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। बहुत बढ़िया सर, 15 साल से बीजेपी का राज है, हम भी ये चाहते हैं कि इस बार थोड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ कन्वर्ट हो, ताकि देखो उनका काम तो देख लिया सबने, अब इनकी को भी एक मौका देना चाहिए। ये बातें तरह तरह की है, जो आपने प्रश्न पूछा कि गुजरात चले गए हैं, फलाना चले गए हैं, देखो नेता होगा तो कहीं भी जाएगा, लेकिन वही है कि आज तो एयरप्लेन का जमाना है, सुबह के शाम को दिल्ली में आ गए। हम तो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि निगम पार्षद हमारे लोकल एरिया का है, इससे कोई ना तो दिल्ली सरकार बननी ना देश की सरकार बननी, ये हमारा अपना नेता होना चाहिए कि हाँ हम कुछ भी काम करवाएं कि सर ये व्हाट्सएप ये आज की डेट में है कि यहाँ पे ये आग लगी हुई है या ये लोग गलत बैठ रहे हैं या ये कूड़ा वूड़ा है, इस टाइप की चीज़ें हैं, पार्क की लाइट है, स्कूल में कोई समस्या है, एमसीडी के स्कूलों में गायों की बहुत बड़ी समस्या है, गायों की कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है। इसमें देखिए सर, मैं बता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं जी देखो ये तो जब आएंगे तब पता लगेगा कितना कर पाएंगे, कितनी कोशिश है। हम इतना जानते हैं संजू जैन जी आज से 10 साल से इस क्षेत्र में अच्छी तरह काम कर रही हैं, कोरोना के टाइम पे लोगों के घरों पे खाना पहुँचाया, सारे काम करे, उनको कोई आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा ना पहुँचाया, उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए पहुँचाया, सेवा भाव है उनके अंदर, इसीलिए उनके साथ खड़े हैं। सरकार तो आरोप लगाती है कि भाई कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बिजली पानी का मुद्दा बना के। नगर निगम का इलेक्शन है, नगर निगम की कैंडिडेट हैं, उनके साथ खड़े हैं, हम जानते हैं हमारे क्षेत्र का विकास ये कर सकती हैं। कैसे करेंगे सर, जब बीजेपी पावर में है कैसे करेंगे, सुनेगी इनकी सर? ये कूड़ा उठवाने का काम बीजेपी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से आके नहीं करना है, ये निगम पार्षद ने करवाना है। अगर एक पार्क की लाइट खराब है, एमसीडी के पार्क की लाइट खराब है, तो वो निगम पार्षद ने ठीक करानी है, उनका उपचरण करानी है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मतलब है? जनता विश्वास कर पाएगी आम आदमी पार्टी पर सर इस बात को लेकर, क्या कि इतना काम हो पाएगा? सर देखो बीजेपी तो करके देख लिया एमसीडी में, इस बार आम आदमी पार्टी करके देख लेंगे विश्वास। चलिए और लोगों से बात करो, सर आपकी क्या राय इस बारे में थोड़ा सा? हमारी राय ये है जी, बदलाव आना चाहिए, हमने बदलाव बहुत जरूरी है, यहाँ पे गलियों में ऐसा होता है झाड़ू लगाने वाले एक दिन आते हैं चार दिन नहीं आते, गंदगी का कूड़े का ढेर लगा रहता है, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस ऐसे घूमते रहते हैं आवाराओं की तरह, गंदगी फैला रहे हैं उनकी वजह से, रोटियों फेंक देते हैं लोग। भैया एक चीज़ बताओ हमारे को, लोग कहते हैं एमसीडी में सफाई कर्मचारी बहुत कम आते हैं, कौन कहता है? जैसे लोगों का कहना है, आप टाइम से आते हैं? बिल्कुल टाइम से आते हैं, डेली कहते हैं, आते हैं डेली, गाड़ी आती है, बोलते हैं ऐसे चल जाते हैं कोई कोई एमसीडी। अभी आप देख रहे हो ना, आपने अभी देखा ना, अब जैसे अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो उसमें और ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे ईमानदारी से बिल्कुल। देखिए हम परेशान नहीं हो रहे हैं, हम जनता जैसे जनता हमारा यही उपलक्ष्य है, मान सिंह जिस तरह चल रहे हैं उसी तरीके हम भी चल रहे हैं। अगर हमारा मान सिंह चाहेंगे कि जनता के सुधार हो, कॉलोनी के सुधार हो, ठीक है यही उपलक्ष्य के सुधार हो, तो हम उनके साथ हैं, हम कोई अलग नहीं है उनसे।
अगर जिस तरह वो चाहेंगे जैसे भी कहेंगे उस तरह उनके साथ है। मान सिंह जी, आप संजू जैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी नहीं, हम संजू जैन के जानते ही नहीं है तो हम कहेंगे क्या? हम तो केवल यही जानते हैं शुरू से दादापुर सारे कांग्रेस का आया, राज कांग्रेस में देते आए और कांग्रेस से जीते खाते यहाँ तक आ गए, पाकिस्तान से यहाँ तक आ गए हैं। अब आम आदमी पार्टी पर विश्वास करेंगी? हाँ, हम तो किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास ही नहीं है किसी पर, नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है। अगर वोट के टाइम आता हाथ जोड़ के लेता है, आता है कहता है हम सब काम करेंगे बहन जी, उसके बाद जाने के बाद वो कहता है मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, किसके विश्वास करे? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, गायों का यहाँ पे पलायन भरा। तो ये हमारा मान सिंह करवाएंगे ना, हमारा प्रधान है ये, तो हमारा प्रधान है मान सिंह, तो ये करवाएंगे। ये जी मुवाड़ी सर, ये बताइए कितनी समस्याएं हैं गाय की, कूड़े की, एमसीडी में नाले बह रहे हैं, रोड पे कूड़ा फैला हुआ, इसके बारे में कुछ दो लाइन सर। अपनी समस्याओं के बारे में हमने यहाँ से जो संजू जैन निगम पार्षद के इलेक्शन के लिए लड़ रही हैं उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया, उन्होंने हमें भरपूर आश्वासन दिया है कि अगर हम आते हैं हम सबसे पहले अल्फाबेटिकली भी प्रीतमपुरे में अगर हम बाईपास की तरफ से आते हैं तो मेरा ब्लॉक सबसे पहले है, तो कोई भी कार्य अगर शुरू होता है तो हमारे ब्लॉक से शुरू होता है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कोई भी हम अगर हम आते हैं एमसीडी में तो सबसे पहले सफाई अभियान, जो जो हमारी जैसे गाय की समस्या है, यहाँ पे कई डेयरियाँ नहर पे लगी हुई हैं जो दिन में गायों को छोड़ देते हैं और जो गायें दिन में गोबर भी करती हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं, स्कूटर स्लिप होती है, लोग बाग इधर उधर गायों को खाना डालते हैं, ये अपना मतलब हल करते हैं। डेयरियों की कई बहुत बड़ी समस्या है जो नहर के किनारे डेयरियाँ बनी हुई हैं। दूसरा कुत्तों, आवारा कुत्तों का जड़ा बहुत आ तक है, वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं, कुछ होते हैं। तीसरा हमारे ब्लॉक की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि पीछे हमारी वॉल बाउंड्री पहले से जो थी अब 2 या 3 फुट रह गई है, जिसके बारे में हम कई बारी अवगत कराया कि हमारी वॉल बाउंड्री हो, हमारे पेड़ों की छटाई हो, हमारे में निरंतर। सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपको, क्योंकि 15 साल तो बीजेपी, 10 साल 15 साल से बीजेपी राज कर रही है एमसीडी में, वहाँ पे स्थितियाँ क्या है और अब कुछ बदलेगी? देखो बदलाव तो करना चाहिए जब भी पार्टी आगे आ रही है, नहीं तो दिल्ली में खाली एक सरकार थी, अब पंजाब में भी केजरीवाल सरकार है और आगे हिमाचल में भी और जगह भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो सब जगह पब्लिक अगर साथ दे रही है तो इनको पब्लिक का भी साथ देना पड़ेगा, तभी आगे चल पाएगी, नहीं तो फिर पार्टी यहीं की यहीं रह जाएगी। जनता तो कह रही है कि इस समय केजरीवाल दिल्ली पे कम ध्यान दे रहे हैं, बाहर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं, जो सेंट्रलाइज लीडर होते हैं, जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं, उनको सारे देश का ध्यान रखना होता है, हर जगह उनको जाना है, हर काम उनको करना पड़ता है। ये हम ये फोकी बातें हैं कि वो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे उनके नुमाइंदे हैं, पूरा तंत्र जो है यहाँ पर हमारे साथ है, जो भी हम समस्या बताते हैं वो सुनते हैं। अब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के बाद अब देखते हैं ये क्या करते हैं। कुछ उम्मीद है इस टाइम आम आदमी पार्टी से? देखो उम्मीद पे ही बंदा वोट डालता है, उम्मीद के बाद जब वोट डालने के बाद जब नेता, अब तो नेता द्वार द्वार जाते हैं, हर गेट पे जाते हैं, सारे ब्लॉकों में जाते हैं और पूरा आश्वासन देते हैं, पर उसके बाद जीत के बाद पता लगता है भी नेता कौन कैसा है। पिछली बार के पार्षद कितनी बार आपके पास आए हैं अभी तक इस ब्लॉक में? पिछली बार के पार्षद तो आए हैं यहाँ पर आश्वासन दे के चले गए, उसके बाद कार्य कुछ भी नहीं हुआ हमारे इलाके में। तो आप हम आशा करते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए कुछ करेगी? बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, उम्मीद से ही सारे काम होते हैं। अब की बार अगर पब्लिक जनता साथ देती है केजरीवाल साहब का, तो उम्मीद है ये दिल्ली को स्वर्ग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती।